हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आज हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ टेक्नोफोन में फिंगरप्रिंट लॉक को कैसे सेटअप कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको फिंगरप्रिंट सेट करना नहीं आता है तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आप फिंगरप्रिंट के बारे में जानेंगे, कैसे फिंगरप्रिंट को सेट करते हैं, ऐड करके यूज़ करते हैं टेक्नो के फ़ोन में। तो सबसे पहले दोस्तों आपका करना है सेटिंग को जो है ऑन कर लेना है। तो मैं फ़ोन की सेटिंग को है ऑन कर लेता हूँ। फ़ोन की सेटिंग ऑन होती है दोस्तों आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको स्क्रॉल करना है और आपकी सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करके दोस्तों आपको स्क्रीन लॉक भी दिख जाएगा, ऐप लॉक भी दिख जाएगा, ऐप पैनिंग भी यहाँ पे है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है बायोमेट्रिक सेटिंग के लिए। और दोस्तों सबसे पहले देखो आप नोटिफिकेशन दिखाएगा, सबसे पहले जो हमारे को है रिक्वेस्ट है यहाँ पे, सबसे पहले दोस्तों हमारे को स्क्रीन लॉक सेटअप करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई स्क्रीन लॉक सेटअप नहीं है तो आप ले लो। तो दोस्तों मैं पैटर्न ही ले लेता हूँ और रैंडमली मैं दोस्तों ये एक पैटर्न ले लेता हूँ। और दोस्तों पैटर्न को भूलना मत। तो दोस्तों ऐसे तो डन ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ऐड फिंगर पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको अपने जो फिंगरप्रिंट का जो आपका सेंसर है दोस्तों आप उस पर दोस्तों अपने फिंगर को ऐसे टच और हटाते रहना, जो कि आपका फिंगरप्रिंट जो है लग जाएगा एक जगह। दोस्तों आपको टच करके नहीं रखना है, टच और रिमूव करनी है अपने फिंगर को, देख सकते हो और फिनिश हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हो अब मैं जो मेरा फ़ोन है मैं उसको फिंगरप्रिंट के जरिए अनलॉक कर सकता हूँ, ऐसे करके अनलॉक हो जाएगा। ऐसे इस तरह के दोस्तों आप फिंगरप्रिंट को सेटअप कर सकते हैं अपने टेक्नो के फ़ोन में। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों अगर आपको कोई फिंगर ऐड करनी है तो जान लो फिंगर कैसे ऐड करना है। दोबारा दोस्तों आपको सेटिंग पे क्लिक करके सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आना है और फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा। पैटर्न ड्रॉ करके दोस्तों आपको ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों आप कोई भी दूसरी फिंगर यूज़ कर सकते हो। तो दूसरी फिंगर दोस्तों मैं ले लेता हूँ, टच और रिमूव दोस्तों सेम हमारे को सेम वैसे ही करने से हमने पहले वाले फिंगरप्रिंट में करा था। जैसे दोस्तों दूसरा फिंगरप्रिंट है जो मेरा ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। और आप देख सकते हो दो फिंगरप्रिंट मेरे पास हो चुके हैं। और दोस्तों अगर कोई और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से भी उसको ऐड कर सकते हो अपने फिंगरप्रिंट को। दोस्तों अगर रीनेम भी करना चाहते हो तो रीनेम भी कर सकते हो अपने नाम के साथ। दोस्तों अगर आपको अपना नाम सेट करना है यहाँ पे तो अपना नाम सेट कर लेना और आपका जो फिंगरप्रिंट है वो रीनेम भी हो जाएगा यहाँ से। दोस्तों देख सकते हो क्योंकि फिंगरप्रिंट है रीनेम हो चुका है मेरा ऐसे। और दोस्तों अगर आप यहाँ से यूज स्क्रीन लॉक पे ऑफ कर दोगे तो आपका फिंगरप्रिंट वो है वो काम नहीं करेगा स्क्रीन लॉक पे। तो हम इस तरीके से दोस्तों फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अपने दोनों फिंगरप्रिंट से अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो, पहले और दूसरे फिंगरप्रिंट के साथ ऐसे करके। तो इस तरीके दोस्तों अपने फिंगरप्रिंट को सेटअप कर सकते हैं टेक्नो के फ़ोन में। और दोस्तों अगर हटाने की बात आती है फिंगरप्रिंट को तो आप उसको हटा भी सकते हो। चलो ये देख सकते हो फिंगरप्रिंट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और अपने पैटर्न को ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट डिलीट करना है, हटाना है, उस पर डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको डिलीट कर देना। और दोस्तों आपका जो फिंगरप्रिंट है वो डिलीट हो जाएगा, हमारे पे जो सेटिंग काम नहीं करेगी। और दोस्तों अगर आपको ये सेटिंग को ऑन करना है तो आपको पहले फिंगरप्रिंट ऐड करना पड़ेगा, दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा। तो ऐसे ही दोस्तों अपने फिंगरप्रिंट सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं टेक्नो के फ़ोन में, सेटअप कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।